एमपी में 37 दिन बाद फिर नाइट कर्फ्यू, घर में मनाना होगा नए साल का जश्न। दोनों डोज लगवाने वालों को ही थिएटर या कोचिंग या जिम में एंट्री मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार। मध्य प्रदेश में लोग नए साल का जश्न खुलकर नहीं मना सकेंगे। सरकार ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। ऐसे में लोग रात 11 से सुबह 5 बजे तक घर से नहीं निकल सकेंगे, यानी रात 12 बजे नए साल के जश्न की जो तैयारियां की जा रही हैं, उन्हें झटका लगा है। सरकार ने 17 नवंबर को नाइट कर्फ्यू सहित कोविड की सभी पाबंदियां हटा दी थी। 37 दिन बाद अब फिर से केस बढ़ने के कारण नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। सरकार ने कहा है कि जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल में 18 साल उम्र से ज्यादा के उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं। बच्चों पर यह बंधन लागू नहीं होगा। हम आपको एक नजर में पूरी गाइडलाइन सरकार की बताने जा रहे हैं। इसमें से पहली गाइडलाइन है, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्विमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 प्लस लोगों को दोनों डोज लगाने वाले को ही एंट्री मिलेगी। कर्मचारियों से दोनों डोज लगाने को कहा, इसकी लिस्ट बनेगी। स्कूल, कॉलेजों, हॉस्टलों में 18 प्लस के स्टूडेंट को ही एंट्री मिलेगी। मॉल, मार्केट व मेलों में दुकानदार दोनों डोज लगाने वाले कस्टमर्स को ही सामान देंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। ये गाइडलाइन 23 दिसंबर 2021 की रात 12 बजे से लागू हो गई है। हम आपको बताएंगे कि गाइडलाइन में किन बातों को साफ रखा गया है। ड्यूटी पर भी आना होगा। स्कूल, हॉस्टल, कॉलेजों में शिक्षकों, कर्मचारियों और 18 साल से ज्यादा उम्र के छात्रों को वैक्सीन लगवाना होगा। अभी खुले रहेंगे। जुर्माना शहर के अनुसार, नियमानुसार रहेगा, यह अलग अलग हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार से राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। प्रदेश में अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए मास्क पहनने और कोरोना से बचाव के सभी उपायों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर आज एक फैसला और कर रहे हैं, रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। और हाँ, अगर कोविड का कोई पॉजिटिव केस आता है तो घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में उसको आइसोलेट करके इलाज करेंगे, और नहीं तो हर हालत में उनको हमको अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए ताकि परिजन वायरस के संक्रमण से बच सकें। सावधान रहना है, याद रखना, सावधानी में ही सुरक्षा है। मेरी प्रार्थना है आप सब सहयोग करें ताकि तीसरी लहर के संकट से हम अपने प्रदेश को बचा पाएं। नाइट कर्फ्यू के बाद लोगों को वक्त पर घर लौटना होगा। इसके साथ ही जिम ओनर को भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहाँ आने वाले लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे हों। सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश से सटे राज्यों में कोरोना के मरीज बढ़े हैं। अच्छी खबर है कि अब तक प्रदेश में ओमिक्रॉन का मरीज नहीं मिला है। मंत्री ने बताया कि इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और कोचिंग में आने वाले सभी छात्रों को भी वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना जरूरी है। जिम और भीड़ जमा होने वाली जगहों पर जाने वाले सभी लोगों को दोनों डोज लगवाना होगा। मंत्री ने कहा कि मास्क को लेकर रोको टोको अभियान चलाया जाए, सभी जिलों में यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग मास्क लगाएं। मंत्री ने कहा कि पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन के साथ ही हर जिले में इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा जाएगा। जहां घर में आइसोलेशन की अलग से व्यवस्था नहीं है या जिन घरों में लोग ज्यादा हैं, उन्हें इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा जाएगा। इसकी पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।